कि इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एमीटर और गैल्वेनोमीटर में दोनों में क्या फर्क है। तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों का यूज जो होता है वो करंट मेजरमेंट के लिए होता है, और एमीटर को भी सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और गैल्वेनोमीटर को भी सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। एमीटर में जो करंट मेजर की जाती है वो एम्पियर की रेंज में होती है, और गैल्वेनोमीटर में भी जो करंट मेजर की जाती है वो मिली एम्पियर की रेंज में होता है। एमीटर लार्ज करंट के लिए मेजरमेंट के लिए यूज होता है, और गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव करंट या बहुत ही मिनिमम करंट अगर सर्किट में फ्लो हो रही है तो उसको पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। और एमीटर में करंट की डायरेक्शन नहीं बताई जाती है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में क्या है, गैल्वेनोमीटर जो है करंट की डायरेक्शन भी बताता है, प्लस जो सेंसिटिव करंट है, जो थोड़ी सी मिनिमम करंट जो फ्लो होती है वो गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम पता कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में आप ये सोचेंगे कि गैल्वेनोमीटर में करंट का डायरेक्शन पता करने का क्या मतलब है, क्योंकि करंट तो वहां फ्लो होगी जहां बैटरी कनेक्ट होगा या कोई सोर्स एक्सटर्नल दिया जाएगा तभी करंट फ्लो होगी। तो जब सर्किट में बैटरी यूज होगी उस केस में जो करंट फ्लो होगी और कितनी करंट फ्लो हो रही है सर्किट में उस केस में हम एमीटर यूज करेंगे, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर कहाँ यूज करेंगे, जहां बहुत ही कम करंट फ्लो होती हो, मिली एम्पियर की रेंज में यूज होता है इसका। तो बिना बैटरी का करंट कहाँ फ्लो होता है, आपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ा होगा क्लास 10th में फिजिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें दो बार मैग्नेट होते हैं और उनके बीच में एक वायर रहता है, और इस वायर को हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देंगे सीरीज में, ठीक है। ये वायर है हमारा, तो ये हमारा क्या है, बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट N है, तो यहाँ से आपका ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ से N से S के पोल में जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि अगर दो बार मैग्नेट के बीच में कोई वायर है तो उसमें करंट अपने आप फ्लो होने लगती है, और ये जो करंट जो फ्लो होती है ना बहुत ही कम होती है, बहुत ही सेंसिटिव करंट होती है। तो उसके लिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। अब ये गैल्वेनोमीटर जो है करंट की डायरेक्शन भी बताएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर का ये जो इंस्ट्रूमेंट है, आप इसमें देखिए जीरो मिडिल में है बिल्कुल, और जीरो की इधर 10 है, 20 है, जीरो की इधर साइड में भी, मतलब कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों साइड में जो है यहाँ पे जो ये 10 और 20 है दोनों साइड लिखा हुआ है। लेकिन एमीटर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो से ही स्टार्टिंग हो गई है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर कैसे करंट की डायरेक्शन बताता है, अगर मान लीजिए ये नीडल जो है यहाँ 20 की तरफ जाए, तो इसका मतलब है करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन, मतलब कि अगर मान लीजिए ये मेरा गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे मेरा 20 लिखा हुआ है और डायरेक्शन यहाँ पे निडल की है, तब इस केस में करंट की, क्योंकि ये आगे साइड में बता रहा है निडल जीरो के आगे है, तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो आगे साइड में होगी, ये इस तरह से एरो इस तरह से होगा, मतलब कि इस सर्किट में जो करंट है इस तरह से फ्लो हो रही है। और ये 20 क्या है, ये मिली एम्पियर की रेंज बता रहा है, कहने का मतलब कि 20 मिली एम्पियर इस सर्किट इस वायर में फ्लो हो रहा है और डायरेक्शन ये है, ठीक है। और अगर ये निडल बताता है यहाँ पर इस साइड में जीरो के पीछे बता रहा है, यानी कि तब इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर 21, 22, 23 मिली एम्पियर, यानी कि यहाँ पे एरो जो नीडल है इसकी डायरेक्शन इस साइड है, यानी कि करंट जो है हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तब इस केस में जो एरो बनेगा वो इस साइड बनेगा, इसका मतलब कि करंट जो है हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो गैल्वेनोमीटर में यही फर्क है कि गैल्वेनोमीटर जो है करंट भी बताता है, प्लस ये करंट की डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है। लेकिन एमीटर केवल करंट बताता है, लार्ज करंट के लिए ये यूज होता है और ये सेंसिटिव करंट के लिए यूज होता है।